नमस्कार। तो कॉरपोरेशन की तरफ से हम लोगों ने आयशा स्कूल ओलिया मस्जिद रिंग रोड के पास MSK मिल में एक छोटा सा कैंपेन ऑर्गेनाइज़ करने का हम लोग ने प्लान किया है, जहाँ पे हम लोग ऑन द स्पॉट जो वहाँ के लोकल लोग हैं, जो लोकल शॉप ओनर हैं, उनको ट्रेड लाइसेंस देने के लिए, ट्रेड लाइसेंस के लिए और एडवर्टीजमेंट्स परमिशंस के लिए, और वहाँ के जो रेस्टोरेंट्स हैं, लोकल रेस्टोरेंट्स हैं, उनको अगर प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट्स और बाकी जो उनके प्रॉपर्टी रिलेटेड इशूज़ जो हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उनको असेसमेंट कराना है, सेल्फ असेसमेंट कराना है, ये सब चीज़ें फैसिलिटेट करने के लिए हमने 3 दिन का एक कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है। तो मैं अपने सारे गुलबर्गा वासियों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिसको भी ये सब फैसिलिटीज़ अवेल करनी हो इन अ वेरी फास्ट मैनर, वो उस कैंपेन में आइए, पार्टिसिपेट करिए और अपने जो उनके जो प्रॉब्लम्स है वो उसको उसको जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और हमारा जो स्टाफ रहेगा, कॉरपोरेशन का जो स्टाफ रहेगा और बाकी भी लोग रहेंगे, वो सारे प्रॉब्लम्स जो है सिटी के प्रॉपर्टी टैक्स रिलेटेड, ट्रेड लाइसेंस रिलेटेड और एडवर्टीजमेंट परमिशंस रिलेटेड वहाँ पे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि सारे सिटी के जो हमारे रेजिडेंट्स हैं वो वहाँ पे आके वो फैसिलिटीज़ को अवेल करिए। थैंक यू वेरी मच। कितने दिन का ये कैंप है? 3 दिन का ये कैंप होगा, 5, 6 और 7 को, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक रहेगा। और अगर बाकी भी कुछ अगर इश्यूज़ है वो भी हम लोग वहाँ पर रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कौन कौन लोग आ सकते हैं? ऑल ओवर गुलबर्गा के लोग वहाँ पर आ सकते कोई हैं? भी गुलबर्गा के कहीं से भी लोग आ सकते हैं। हम लोग ने अलग अलग जगह पे, हमने पहले भी हमने 2 कैंपेन्स हम लोग कर चुके हैं, एक मार्केट में और एक गंज रोड पे। ये 3rd कैंपेन होगा, इसके बाद भी हम लोग कैंपेन करते रहेंगे। अगर पब्लिक का साथ रहा और पब्लिक का कॉपरेशन रहा तो जल्दी जल्दी ही हम लोग और भी कैंपेन्स करेंगे और लोगों की मदद करने की पूरी कोशिश।